स्वागत है आपका निष्कर्ष में। मैं हूं अलका सक्सेना। विरोध तो लोकतंत्र में होता ही है, लेकिन एक के बाद एक विरोध और अलग अलग जगह अलग अलग तरीके और लोगों की तरफ से आम आदमी पार्टी के प्रति जिस तरह गुस्से का इजहार हो रहा है, सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों लगातार उनका विरोध हो रहा है, वो भी इतने आक्रोश भरा, इतना एग्रेसिव। स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। और ऐसा क्यों है कि जिसे चंद रोज पहले तक लोग सिर आंखों पर बिठा रहे थे, वही अब आंखों में, कुछ लोगों की आंखों में चुभने सा भी लगा है। क्या अति महत्वाकांक्षा की वजह से वो रोशनी जो अरसे तक हिंदुस्तान की सियासत के लिए लाइट हाउस बन सकती थी, वो चार दिन की चांदनी भी हो सकती है? आज इसी पर होगी चर्चा, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहा है विशेषज्ञों का एक खास पैनल। हमारे साथ अजय सिंह साहब जुड़ रहे हैं, संपादक हैं गवर्नेंस नाउ द पॉलिसी मैगजीन के। आदिति फडणीस जी, राजनीतिक संपादक बिजनेस स्टैंडर्ड की, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगी। सैयद फैजल अली साहब, ग्रुप एडिटर सहारा उर्दू मीडिया के, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। पूर्णिमा त्रिपाठी जी, सीनियर सहायक संपादक फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। लखनऊ से प्रोफेसर अरविंद मोहन साहब, अर्थशास्त्री हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। इलाहाबाद से प्रोफेसर बद्री नारायण साहब, जीबी पंत इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज में वो हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इलाहाबाद से। बहुत स्वागत है हमारे तमाम मेहमानों का। आइए देखें आज निष्कर्ष में क्या, सेगमेंट दर सेगमेंट। पहले सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को आम आदमी से ही अचानक इतना विरोध क्यों झेलना पड़ रहा है। दूसरे सेगमेंट में चर्चा होगी कि केजरीवाल ने दिल्ली की सरकार 2 महीने से भी कम वक्त में क्यों छोड़ दी, क्या वजह वही है जो वो गिनाते हैं, या फिर असल में उनकी मंशा में बेलगाम महत्वाकांक्षा छिपी हुई। तीसरे सेगमेंट पर चर्चा यह होगी कि दिल्ली की गद्दी छोड़ने के पीछे केजरीवाल की असल मंशा क्या हो सकती है। और आखिरी सेगमेंट में चर्चा होगी केजरीवाल की कहानी से हमें, यानी हमारी सियासत को क्या सबक मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है। केजरीवाल को लाली ऑटो चालक का थप्पड़, ये आइसोलेशन में देखी जाने वाली एक घटना नहीं है। असल में एक के बाद एक हो रहे विरोधों को, विरोध अपने आप में कई गंभीर मायने छिपाए हुए हैं। क्या केजरीवाल उन मायनों को समझने के लिए तैयार है? ये मेरे लिए तो भगवान है, मैं भगवान। अरे भैया क्या कर, तो लाली के लिए केजरीवाल भगवान थे, लेकिन फिर भी उसने केजरीवाल को थप्पड़ मारा और फिर ये बताया भी कि उसने ऐसा क्यों किया। गरीबों का मसीहा है झाड़ू, इसके अलावा कोई नहीं है, सब मिले हुए, सब एकजुट है। लाली की ही तरह कई लोग केजरीवाल को अगर भगवान नहीं तो कम से कम मसीहा मानते थे, लेकिन फिर 3 महीने बीतते बीतते ऐसा क्या हो गया कि गुस्सा इतना बढ़ गया। केजरीवाल कहते हैं कि वो नहीं समझ पा रहे कि उन पर लगातार ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं। क्या सचमुच ये समझ में न आने वाली बात है, या केजरीवाल शुतुरमुर्ग की तरह सामने खड़ी सच्चाई देखना नहीं चाहते? करें कि हमले केवल हमारे ऊपर क्यों हो रहे हैं, आज तक और किसी पे हमले नहीं हुए, ये हमारे ऊपर क्यों हमले हो रहे हैं। और ये हालत तब है जब केजरीवाल पिछले कई दिनों से जगह जगह जाकर लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दिल्ली से भागे नहीं भगाए गए, बावजूद इसके उन्हीं के एक समर्थक रहे व्यक्ति ने उन्हें तमाचा क्यों मारा। ये बीजेपी वाले कह रहे भगोड़ा है। मैं 3-4 दिन से सोच रहा था, देश के रेल मंत्री थे एक बारी लाल बहादुर शास्त्री जी, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये तो भगवान का शुक्र है उस टाइम बीजेपी पैदा नहीं हुई थी, नहीं तो कहते लाल बहादुर शास्त्री भगोड़ा है। क्या इसका मतलब ये है कि दिल्ली वाले उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते? और इस थप्पड़ के पड़ने से बहुत पहले केजरीवाल ने दिल्ली छोड़कर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली थी। समय के लिए दिनेश गौतम। तेजी से दिल्ली और भारत की राजनीति में छा जाने वाले अरविंद केजरीवाल कहां से कहां पर आए हैं, ये देखना होगा कि कैसा फिनोमेना है ये अरविंद केजरीवाल। इसे समझना होगा कि उनके ऊपर इतने अटैक क्यों हो रहे हैं, वो इसको लेके क्या उनकी परसेप्शन है, और वाकई में क्या और चीजें निकल के आती हैं, क्या मायने होंगे इसके। अजय, एक आम लोगों को जिस तरह का एक उम्मीदों का पूरा एक दुनिया, अलग दुनिया में वो ले गए और उस चीज को चैनलाइज किया जिसे पुअर गवर्नेंस की वजह से लोगों के मन में जो आक्रोश था, और तब उन्होंने कहा कि हम ये डिजर्व करते हैं जो लोगों ने सर माथे पर बिठाया, और अब जब इतने अटैक हो रहे हैं तो उनको इसमें साजिश नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें शक नहीं है कि 3 महीने के अंदर एक
दल जो कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं था वो अपने आप में इस स्थिति में आ गया कि वो मेन दल बन गया यहां पे। तो ये बात सच है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थे। दिक्कत क्या हुई है कि जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड्स रखे वो इतने ऊपर के रखे कि जिसमें वो शायद खुद भी अपने को उस स्तर तक लेके नहीं जा पाए। तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस और जो रियलिटी थी उसके बीच में गैप इतना ज्यादा था कि लोगों को ये लगने लगा कि शायद ये जो हम सोच रहे थे वो ये नहीं है। और जब भी आप देखिए कोई भी इस टाइप का आदमी निकलता है जिसकी इमेज कोई सेवियर की होती है, तो सेवियर की इमेज के बाद जब भी उसका नीचे डाउनफॉल होता है, मोहभंग जब होता है, मोहभंग होता है, तो इसी तरह के रिजल्ट्स होते हैं। ये कहीं ना कहीं उसका एक इंडिकेशन है। लेकिन सवाल यह है कि हिंदुस्तान की सियासत असल में लोगों का मोहभंग ही करती रही, यही बात कहकर तो अरविंद केजरीवाल खुद को सामने लेकर आए। फिर उन्होंने भी क्या वही कर दिया जिन बातों से असल में लोगों का परंपरागत सियासी पार्टियों से मोहभंग होता गया? कितने यूटर्न्स केजरीवाल ने लिए आप इस ग्राफिक में देख पाएंगे जो हम आपको दिखाने वाले हैं। पहले उन्होंने कहा कि मैं सियासी पार्टी बनाऊंगा ही नहीं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले जब वो थे, लेकिन फिर उन्होंने एक सियासी पार्टी बनाई, हवाला दिया कि सुना नहीं जा रहा है, संसद में जाकर ही काम हो सकता है, अगर सदनों में पहुंचकर ही फिर आखिरकार सुनी जाती है तो हम वहां जाएंगे पार्टी बनाएंगे। फिर उन्होंने कहा हम चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन मैं बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा भी कर दिया। शीला दीक्षित को सरकार में आ गए तो जेल भेजेंगे, वैसा भी नहीं हुआ। इस तरह के तमाम वादे हुए जिसमें यू टर्न दिखाई दिया और लगने ये लगा फैजल साहब कि जब भी अरविंद केजरीवाल कोई बात कहते हैं तो उसमें वो एस्ट्रिक अपने आप जुड़ा होता है जिसमें नीचे लिखा होता है सब्जेक्ट टू कंडीशन। क्या ये जिस तरह से कहा जाता है हमारी सियासत डायनेमिक है, ये कहीं एक जगह रुकती नहीं और देशकाल परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेने होते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी वही लिया लेकिन उनके ऊपर तोहमतें लग गई या वाकई अरविंद केजरीवाल ने बड़े यू टर्न लिए? जिस तरह का अरविंद केजरीवाल का फेनोमेना जैसे बना था और उसके बाद जिस तरह के वादे किए और फिर जिस तरह के दावे इन्होंने किए थे कि मैं ये नहीं करूंगा और ये करूंगा। अगर बिन्नी की बात करें, उनके विधायक रहे हैं, उन्होंने बहुत साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं कि नहीं करेंगे वो हमेशा करते हैं। और अगर आप उन पर नजर डालें तो हमेशा यही हुआ कि उन्होंने कहा कुछ, मुझे खुद याद है मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि कुछ हो जाए मैं बच्चों की सौगंध खाता हूं और आपसे फिर इलेक्शन के बाद बात होगी, मैं ना भाजपा का सपोर्ट लूंगा ना कांग्रेस का सपोर्ट लूंगा। और यही बात उन्होंने और भी मीडिया के साथ कही लेकिन उन्होंने सपोर्ट लिया, सरकार बनाई, ये ठीक है। लेकिन यहां पे मुझे ये लगता है कि कहीं कहीं जब वो ये बात कर रहे थे तो अरविंद केजरीवाल जो एक एक्टिविस्ट था वो बोल रहा था, एक मैच्योर पॉलिटिशियन की बातें नहीं थी वो। इसलिए जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन सामने आ जाता है और उसका जो भुगतान है वो आज वो भोग रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ चीजें कही और बाद में उसका उल्टा किया। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि अरविंद केजरीवाल ने जो चीजें की थी, जो आकांक्षाएं, जो उम्मीदें लोगों ने उनसे लगाई थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए कि जो पहले की सरकारें थी उनसे लोगों की उम्मीदें टूटी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब वादा कर रहे थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कितने समय में हम पूरा कर पाएंगे। जाहिर सी बात है कि अरविंद के पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि वो छड़ी घुमाते और सारी